आज नामांकन वापसी पश्चात पंडरिया विधानसभा सीट से राजा योगेश्वर सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं कवर्धा सीट से रानी कृति देवी सिंह ने अपना नामांकन वापस न लेकर अपनी नाराजगी बरकरार रखी। तो लेके आती है मैं। वो सोचो राजा साहब अभी वर्तमान में कांग्रेस में हैं, तो क्या आपके लिए वो कांग्रेस को छोड़ेंगे? मैं क्या बोल सकती हूँ, उसकी जिंदगी है, उनकी पार्टी है, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आप लोग जो एमएनबी न्यूज़ से चंद्रशेखर शर्मा। आज नामांकन वापसी पश्चात पंडरिया विधानसभा सीट से राजा योगेश्वर सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं कवर्धा सीट से रानी कृति देवी सिंह ने अपना नामांकन वापस न लेकर अपनी नाराजगी बरकरार रखी है। उनके नामांकन वापस नहीं लेने से मोहम्मद अकबर की तकलीफें बढ़ गई है। उन्होंने नामांकन वापसी के समय पश्चात एक मुलाकात में बताया कि जिले की 50% आबादी महिलाओं की है और महिलाओं का पूरा सहयोग उनको मिलेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह सिर्फ कवर्धा वालों के मान सम्मान की लड़ाई है कि कवर्धा जिले के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के नेताओं को छोड़कर रायपुर से आयातित लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है, इसलिए and whatever the people of Kavardha will want, I will do it. My region must benefit. एक बार काट किया, दो बार काट लिया, तीस कितने बार काटते रहेंगे? अभी मैंने सोचा नहीं है, जब सोचेंगे तो बताएंगे। जो भी होगा भैया, अच्छी दिवाली होगी।